बॉलीवुड में कॉमेडी के बादशाह जिसने हिंदी फिल्मों में कॉमेडी से भरपूर एक दौर को फिर से जिंदा कर दिया। जी हाँ, बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा की। गोविंदा न सिर्फ कॉमेडी में बेहतरीन थे बल्कि डांस और ड्रामा में भी उनका कोई जवाब नहीं था। 90s के दौर में गोविंदा का मतलब था बस कॉमेडी और हिट मूवीज। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा विभाजन से पहले पंजाब में रहते थे। गोविंदा की माता नजीम मुसलमान थी। धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्होंने अपना नाम निर्मला देवी रख लिया था। निर्मला देवी भी खुद एक फिल्म एक्ट्रेस थी। गोविंदा जब हिंदी सिनेमा में आए वो समय केवल एक्शन और रोमांस का था। उस समय कॉमेडी में कोई ऐसा हीरो ही नहीं था जो फिल्म में लीड रोल निभा सके। तो फिर आए गोविंदा। कॉमेडी और डांस स्टाइल से इन्होंने बॉलीवुड में एक नई शुरुआत की। आपको बता दें, गोविंदा ने सुनीता से शादी की और उन्हें एक बेटी टीना आहूजा और एक बेटा यशवर्धन है। करियर की बात करें तो अपने शुरुआती समय में गोविंदा ने बहुत सी फिल्मी, ड्रामा, एक्शन और रोमांटिक मूवीज की। 80s में उन्होंने बॉलीवुड में एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई और फिर 90s में उन्होंने कॉमेडी फिल्मों में अपना कदम रखा। उन्होंने 1992 की फिल्म शोला और शबनम में एनसीसी कैडेट की जो भूमिका निभाई थी, उस फिल्म में उन्होंने दिव्या भारती के साथ काम किया था। इस फिल्म में उनकी कॉमेडी को खूब सराहा गया। और उसके बाद अक्षय कुमार के साथ भागम भाग, सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ पार्टनर, लाइफ पार्टनर जैसी बहुत सी हिट मूवीज गोविंदा ने दी, जिसके बाद से उन्हें कॉमेडी किंग कहा जाने लगा। फिल्म हद कर दी आपने में तो उन्होंने हद ही कर दी जब एक ही परिवार के 6 अलग अलग सदस्यों का किरदार भी उन्होंने खुद अकेले ही निभाया। उन्हें नंबर वन का खिताब भी हासिल है क्योंकि उनकी 6 मूवीज के नाम के लास्ट में नंबर वन लगा हुआ है। रिपीट। इसके बाद सन 2015 में उन्होंने जी टीवी के डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सुपर मॉम सीजन 2 मिथुन चक्रवर्ती की जगह पर जज की भूमिका भी निभाई थी। एक बार खुद्दार फिल्म की शूटिंग के लिए स्टूडियो जाते समय गोविंदा का एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें काफी चोट आई लेकिन फिर भी गोविंदा ने शूट पूरा किया। उन्होंने लगभग अपने समय के हर एक्टर और एक्ट्रेस के साथ काम किया है। उनकी डांसिंग स्किल्स और एक्सप्रेशन की दुनिया दीवानी है। गोविंदा को अपने करियर में एक बुरे दौर से भी गुजरना है। गोविंदा का कहना है कि उन्होंने अपने करियर के बुरे दौर में ये महसूस किया कि इंडस्ट्री में लोग सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देते हैं जो कामयाब होते हैं। वैसे गोविंदा के साथ विवाद का भी गहरा नाता रहा है। एक बार गोविंदा ने एक दर्शक को फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर चांटा मार दिया था। केस फाइल भी हुआ लेकिन गलती उस दर्शक की थी, इसलिए दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को माफी मांगने को कहा। 2004 में गोविंदा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद लोकसभा चुनाव में करीब 50,000 वोटों से जीते थे। लेकिन सांसद के तौर पर भी गोविंदा को काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी। उन पर इल्जाम लगे कि वो अपने क्षेत्र के लोगों से मिलते ही नहीं हैं और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं। बहरहाल बॉलीवुड इंडस्ट्री में नंबर वन वर्सेटाइल एक्टर, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक और एक पॉलिटिशियन के तौर पर काम करने वाले गोविंदा को हर एक भारतीय बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। बच्चा बच्चा भी उनके डांस मूव्स को कॉपी करता आया है। तो उम्मीद है आपको आज का ये बायोग्राफी का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। और कॉमेडी किंग गोविंदा की कौन सी फिल्म आपको पसंद है ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।